हेलो एवरीवन यूनिट का नाम है सोलिड स्टेट सोलिड क्या होता है सोलिड एक फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो कि प्रोजेस कर रखा जिसने डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम और रिजिडिटी तो उसको हम सोलिड बोलेंगे तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच प्रोजेस रिजिडिटी एंड पोजेस ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम तो उसको हम सोलिड बोलेंगे फिर क्वेश्चन आता है वाई डू एग्जिस्ट एज सोलिड एट रूम टेम्परेचर कि कुछ सब्सटेंस सोलिड की तरह एक्ट क्यों करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके लिए सबसे पहला रीजन है उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो कम है वो लो है इसलिए वे सोलिड की तरह एक्ट करते हैं थर्मल एनर्जी कम होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल वे नजदीक आ जाएंगे और लिक्विड से सोलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरी बात है उनके पास हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके बीच में जितना ज्यादा फोर्स होगा एटम आइन मोलिकुल है उनके बीच में जितना ज्यादा फोर्स होगा वे उतना लो आऊंगे नजदीक आऊंगे जिसकी वजह से वे लिक्विड है वो सोलिड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आता है क्लासिफिकेशन सोलिड है उसको दो भागों में बांटा गया है नंबर एक कलेस्ट्राइन सोलिड नंबर दो अमरपो सॉलिड क्रिस्टलाइन लाइन सोलिड क्या है कि उसके अंदर जो कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल होंगे एटम आयन और मोलिकुल उनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होगा और उसी प्रकार अमोफस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिटेंट पार्टिकल होंगे एटम आयन और मोलिकूल उनका जो अरेंजमेंट है वो नॉट रेगुलर पैटर्न कि अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा थ्री स्पेस के अंदर उसी प्रकार क्रिस्टलाइन लाइन सोलिड के एग्जाम्पल है एन एस सी एल के सी एल एसेट्रा और अमोरफ सॉलिड के एग्जाम्पल है ग्लास वुड ग्लास वुड रबड़ प्लास्टिक एसेट्रा तो सिंपल सा क्या है सोलिड दो प्रकार के है क्रिस्टलाइन अमोरफस क्रिस्टलाइन में क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होगा थ्री डी स्पेस में और अमोरफस सोलिड में कॉन्स्टिट्युए पार्टिकल का अरेंजमेंट नोट रेगुलर पैटर्न रेगुलर पैटर्न में नहीं होगा इन थ्री डी स्पेस इसके एग्जाम्पल कौन सी, कौन सी होगी क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल होगी एनएसएल केमोरफस के एग्जाम्पल होगी वुड, रबड़ और प्लास्टिक हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सोलिड एंड अमोरफ सॉलिड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोरफ सॉलिड में डिफरेंस क्या क्या है सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर रेगुलर पैटर्न होगा किसका रेगुलर पैटर्न एटम आयन और मोलिकूल है जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल है उनका रेगुलर पैटर्न होगा थ्री स्पेस के अंदर उसी प्रकार अमोरफ सॉलिड के अंदर नोट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न ये एटम आयन और मोलिकूल को हम रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं करेंगी दूसरी बात आती है मेल्टिंग पॉइंट तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है जबकि और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी तरफ देखें अमोख सॉलिड का मेल्टिंग प्वाइंट लो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता उसी पर कलीवेज की बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड कलीन कलीवेज देते हैं कलीन कलीवेज जब इसको हम नाइफ से काटते हैं चक्कू से जब इनको काटते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो ये कलीन कलीवेज देते हैं जबकि अमोरफस सॉलिड कलीन कलीवेज नहीं देते नोट कलीन नोट कलीन कलीवेज जब हम इसको चक्कू से काटेंगे तो ये कलीन कलीवेज नहीं देंगे फोर्थ पॉइंट है क्रिस्टल सॉलिड है, है, है ये ट्रू सॉलिड है मीन्स ये सॉलिड पक्के हैं। लेकिन अमोफर सॉलिड है अमोफर सॉलिड वो सुडो सॉलिड है सुडो मीन्स आभासी कि ये सॉलिड नहीं है लेकिन ये सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं आपने देखा होगा जो खिड़कियाँ होती हैं उनके जो ग्लासेज होते हैं वो ओमोफर सोलिड के बने होते हैं उसी प्रकार ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सोलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं जबकि अमोफर सोलिड आइसोट्रोपिक होते हैं एनाइसोट्रोपिक क्या है एनाइसोट्रोपिक में क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इफेक्टिव इंडेक्स थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो उसको बोल लेंगे एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिपेक्टिव इंडेक्स थर्मल एक्सपेंशन एसेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन जितनी भी डायरेक्शन है सभी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफेक्टिव इंडेक्स थर्मल एक्सपेंशन सेम हो तो उसको हम बोलेंगे लेंगे आइसोटोपिक तो अमोफो सोलिड के अंदर सेम होते हैं और क्रिस्टलाइन सोलिड के अंदर ये क्या होती है डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है थैंक यू